का नाम और निशान मिट जाएगा, ओएसी का नाम और निशान मिट जाएगा, वो दिन ज्यादा देर नहीं है। नमस्कार, मैं नियाज खान। कहते हैं राजनीति नेताजी और नेताजी के बयानबाजी के बिना अधूरी है। अगर नेताजी को कोई मंच मिल जाए तो फिर देखिए किस तरह से एक के बाद एक अपने भाषणों की बदौलत विरोधियों को निशाने पर लेते हैं। लेकिन कभी कभी यही भाषण चर्चाओं का केंद्र बन जाती है और कभी कभी यही भाषण देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर देती है। इस समय भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा एक बार फिर अपने बेतुके बयान को लेकर चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं और उन्होंने ये बेतुका बयान किसी और के बारे में नहीं बल्कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में दिया है। जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें कोई शक नहीं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा अपनी हिंदूवादी छवि के लिए आए दिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने तेलंगाना के वारंगल में कहा, जिस तरह से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, वैसे ही वो दिन दूर नहीं जब निजाम और ओवैसी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओएसी का नाम और निशान मिट जाएगा, वो दिन ज्यादा देर नहीं है। इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनियल पॉलिटिक्स करता है, वो लोग उनको और मानेगा नहीं। तो अभी आपने हेमंत बिस्वा को सुना और हेमंत बिस्वा के इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनके इस बयान का क्या कुछ जवाब दिया, आइए आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि हरिद्वार और रायपुर धर्म संसद में मुस्लिम जनसंहार का आह्वान और यहां एक बीजेपी सीएम का आह्वान। खैर, हेमंत बिस्वा सरमा इतने पर ही नहीं रुके। अपने भाषणों के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि निजाम की विरासत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और भारतीय सभ्यता पर आधारित एक नई संस्कृति का उदय होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को भी लेकर हेमंत बिस्वा मंच से गरजते नजर आए। उन्होंने कहा, पंजाब में कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस इस पूरे मामले को संस्थागत बनाना चाहती है। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी असम आते हैं और उनके साथ भी मैं वही करूं तो क्या ठीक रहेगा? वहीं परिवारवाद राजनीति को लेकर भी हेमंत बिस्वा मंच से हमलावर नजर आए। इस पर उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, सौकर भारतवासी का है। ऐसे नहीं चलता है कोई फार्म हाउस में बैठेगा और प्रदेश चलेगा। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको दलित का घर में जाना पड़ेगा, दलित को आपको घर में बुलाना पड़ेगा, आपको सेक्रेटरियट में बैठना पड़ेगा, डेली 500,000 लोगों को आपको मिलना पड़ेगा। अगर सरकारी कर्मचारी एजिटेशन कर रहा है तो उनको घर के बुला के उनका बात सुनना पड़ेगा। और आप अगर उनका बात नहीं सुनेगा, 2023 में आपका बात भी कोई नहीं सुनेगा, आपका बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा सरमा तेलंगाना सरकार के आदेश संख्या 371 को वापस लेने की मांग के तहत आयोजित बीजेपी की रैली को संबोधित करने के लिए राज्य में पहुंचे थे। तेलंगाना सरकार के आदेश संख्या 371 कर्मचारियों और शिक्षकों के तैनाती को जिलों में गैर स्थानीय बनाता है। इसके साथ ही शिक्षकों का ये भी आरोप है कि उन पर जो व्यवस्था थोपी गई है उसमें भारी गड़बड़ी है। बहरहाल, जाते जाते आपको हेमंत बिस्वा सरमा के पूरे बयान के साथ छोड़ जाते हैं। सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस तरह से किसी पर बेतुका बयान देना कितना सही है, धोने वाला है
और हम उसी रास्ता में सल पड़ा है और वही काम होगा। अभी भारत को कोई रुकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओएसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनियल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर गारू जी का जीवन में क्या है, अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा का बाद उनका ग्रैंडसन को मुख्यमंत्री बताओ, अगर पेट में कोई है उनके लिए भी प्लान करो, वो भी कैसे सीएम बन पाएगा? ऐसे क्या देश चलता है? आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, सौकर भारतवासी का है। ऐसे नहीं चलता है कोई फार्म हाउस में बैठेगा और प्रदेश चलेगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। आपको दलित का घर में जाना पड़ेगा, दलित को आपको घर में बुलाना पड़ेगा, आपको सेक्रेटरियट में बैठना पड़ेगा, डेली 500,000 लोगों को आपको मिलना पड़ेगा। अगर सरकारी कर्मचारी एजिटेशन कर रहा है तो उनको घर के बुला के उनका बात सुनना पड़ेगा, और आप अगर उनका बात नहीं सुनेगा 2023 में आपका बात भी कोई नहीं सुनेगा, आपका बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ऐसे भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है। जो भारत में कोई ओएसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा, अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा, अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम कामनाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो प्रसन्न राजलोक था, वेरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। आज क्या आपका ये है, घर में कोई ऑफिस में कोई एजिटेशन कर रहा है, क्या आप घर में पुलिस झुका देगा? भाई साहब ऐसा मत करिए, ऐसा करेगा तो कोई दिन आपका फार्म हाउस में भी पुलिस झुक जाएगा।